हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं फिर एक बार आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है या फिर टेक्निकल नोट से लिखने के लिए आता है, तो उसमें आपको ये टॉपिक पूछा जाता है। और ये इससे आप लोग वाकिफ हैं, आप लोग ने इसका यूज भी किया है। और ये कुछ और नहीं, ये मॉडेम है। मॉडेम क्या है? मॉडेम आप लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो कोई भी लैपटॉप वगैरह होता है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम लोग मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए, आज मॉडेम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जानेंगे, जिससे हम शॉर्ट नोट या फिर टेक्निकल नोट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये आसानी से लिखने में मदद करे। तो चलिए आइए जानते हैं मॉडेम के बारे में। मॉडेम क्या है? तो मॉडेम जो है वो दो वर्ड से, मतलब कि दो वर्ड है उससे लेकर के बना हुआ है। एक हम लोगों ने कम्युनिकेशन में पढ़ा है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से ही मिल करके क्या बना है? तो मॉडेम बना है। जैसे देखिए, हम लोग मॉड्यूलेशन लेते हैं तो मॉड्यूलेशन, ठीक है, और डीमॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, ये दो वर्ड होते हैं। तो यहां से देखिए, हम लोग देखा जाए तो ये जो मॉडेम है, एमओडी मॉड्यूलेशन से लिया गया है, और डीईएम डी मॉड्यूलेशन से लिया गया है। देख रहे हैं, ये दोनों वर्ड, इन्हीं दोनों वर्ड को जब एक साथ मिला दिया गया तो क्या हो गया? मॉडेम हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ? इस मॉडेम में दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब कि मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों वर्ड को परफॉर्म कराता है। अब हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूलेशन किस टर्म में वर्क परफॉर्म होता है, डीमॉड्यूलेशन किस टर्म में वर्क परफॉर्म होता है। आप लोगों ने बेसिक के कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन बहुत अच्छे तरह से पढ़ा होगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, कनेक्ट मतलब इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में समझे, तो तब जब हम किसी सिग्नल को अपलोड करना जानते हैं, मतलब कि जब हमें किसी कंप्यूटर के मदद से कोई भी डेटा या फिर कुछ भी हो, डेटा में कुछ भी आ सकता है, सॉन्ग हो सकता है डेटा आपका, या फिर कोई मेल हो सकता है, या फिर कोई आपका फाइल्स हो सकता है, या फिर कोई वीडियो हो सकता है। तो जब हम किसी भी डेटा को अपलोड करने का वर्क करते हैं, कहने का मतलब ट्रांसमिट करने का वर्क करते हैं। अपलोड में क्या होता है? कोई भी डेटा को हम लोग अपलोड करते हैं तो वो क्या होता है, एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। कंप्यूटर वाले फाइल, कंप्यूटर में जो फाइल है उससे हम लोग उसको ट्रांसमिट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब ट्रांसमिटिंग का काम हो रहा है तो उसी समय ये क्या होगा, ट्रांसमिटिंग के दौरान ही क्या होगा, मॉड्यूलेशन होगा। और इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या करते हैं। तो देखिए, इस ट्रांसमिटिंग के दौरान ये जो मॉडेम है वो ट्रांसमिट करने के साथ साथ एक और वर्क क्या परफॉर्म करता है, तो ये डिजिटल वाले सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट करने का वर्क करता है। दूसरे तरफ जब किसी मॉडेम के हेल्प से कोई भी फाइल्स वगैरह ये सब को हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के दौरान क्या होता है कि ये डीमॉड्यूलेशन वाला प्रोसेस को कन्वर्ट करता है, मतलब कि वर्क को प्रोसेस करता है। और उस दौरान क्या करता है, तो कोई भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मॉडेम जो है वो क्या है हमारा, तो वो मॉडेम है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, जिसका शॉर्ट नाम है मॉडेम। और मॉडेम में क्या आ गया, तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रोसेस आ गया। तो इस तरह से आप लोगों ने मॉडेम को समझा होगा। मॉडेम मींस क्या हो गया, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन के बारे में आप जान रहे हैं, डीमॉड्यूलेशन के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, तो मॉडेम इज ए हार्डवेयर डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विथ इंटरनेट सर्विस। देखिए, मॉडेम क्या होता है, तो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है और वो हमें हेल्प करता है किसी कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है।
देखिए मोडेम क्या है, तो मोडेम हो गया, ये मोडेम क्या करता है, तो कैसे आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर पाता है ये, तो ये इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, तो मोडेम जो है आगे किससे संपर्क करता है, तो टेलीफोन लाइन से संपर्क करता है, और इसके थ्रू ये किससे कनेक्ट हो पाता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हो पाता है, इंटरनेट जिसको शॉर्ट में हम लोग ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए मोडेम क्या करता है, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो पाता है, और कनेक्ट होने के बाद, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होने के बाद ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हेल्प से हमें क्या कर देता है, तो इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि सर ये जो हमारा मॉडेम है वो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो इस डिजिटल कंप्यूटर के जो भी आउटपुट होंगे, जो भी डेटा होगा जिसको हमको ट्रांसमिट करना है, तो जब ये ट्रांसमिट होता है तो उस दौरान ये क्या होता है, ये मॉडेम को दिया जाता है, और ये मॉडेम क्या करते हैं, उस वाले डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा है। और इस दौरान क्या प्रोसेस हो रहा है, तो ट्रांसमिटिंग के दौरान क्या होता है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, और इस दौरान ये डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर से जब कोई अदर साइड वाला कंप्यूटर उसको डाउनलोड करने की कोशिश करता है या फिर डाउनलोड होता है, तो डाउनलोडिंग के समय में ये क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन का वर्क परफॉर्म करता है, और इस दौरान क्या होता है, ये जो एनालॉग वाला सिग्नल है वो कहां कन्वर्ट हो जा रहा है, डिजिटल वाले में। तो इस तरह से क्या कर रहा है, ये मॉडेम एनालॉग डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल के टर्म में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा है। कह सकते हैं इसको कि एक ट्रांस रिसीवर, मॉडेम क्या कर रहा है, एक ट्रांस रिसीवर की तरह वर्क कर रहा है। कहने का मतलब लाइक एज ए ट्रांसमीटर के तरह वर्क कर रहा है ट्रांसमिटिंग के दौरान, और रिसीवर के तरह वर्क कर रहा है रिसीविंग के दौरान। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, मॉडेम एक ट्रांस रिसीवर की तरह भी वर्क कर रहा। ठीक है, अब देखिए इन बातों को तो हम लोगों ने जान लिया कि डिजिटल से एनालॉग में ये कन्वर्ट कर रहा है ट्रांसमीटर के दौरान, और एनालॉग से डिजिटल रिसीविंग के दौरान। ठीक है, देखिए ये जो मॉडेम है, मॉडेम में इस दौरान हम लोग कोई मॉडेम क्या, कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। इसमें हमारा क्या होना चाहिए, तो जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो डेटा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो उसका जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो मेनली ये इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो ये मेनली इम्पोर्टेंट बात है कि ये मॉडेम डज नॉट चेंज द इन्फॉर्मेशन कंटेन इन द डेटा। मॉडेम क्या करता है कि एक वन डेटा को दूसरे, मतलब कि वन कोई डेटा को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड करने में, रिसीव करने में ये मदद प्रोवाइड करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हेल्प से, और ये क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको चेंज नहीं होने देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉडेम के इतने सारे पॉइंट्स देखे, तो ये पॉइंट्स आपको मदद करेंगे इसको लिखने के टर्म में एग्जाम के दौरान में। देखिए हमेशा शॉर्ट नोट में आएगा, तो वाईफाई आएगा, 3G आएगा, मॉडेम आ जाएगा, रडार से डीमोडुले क्या कहते हैं, रडार में क्या होता है, ट्रांसपोंडर आ जाए, तो ये सारा, या फिर CRT आ जाए, इस तरह से रहेगा। 5 या 6 दिए हुए रहेंगे, उसमें से आपको 2 या 3 के बारे में लिखना रहता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको काफी हैं, इसको फिगर से अभी आप लिख सकते हैं, मगर फिगर दिखा करके इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा, इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, फिगर बहुत ही आपको कोई भी टॉपिक में लिखने से आपका, मतलब कि आपके राइटिंग स्किल को बढ़ाता है और उसके ओर अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर को। तो ये सारे फिगर लाइन बाय लाइन या डायग्राम के थ्रू जो समझाना या लिखना होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप लोग इस मॉडेम को लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए।